18 साल दंडकारण्य के जंगल में बिताए थे। इस दौरान श्री राम अलग अलग आश्रमों, अलग अलग गुफाओं में रहे थे। भगवान राम के वनवास की बहुत सी निशानियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब भी ऐसी तमाम कहानियां हैं जो इंसानी नजर से दूर हैं। ये कहानी भी कुछ वैसी ही थी। हमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ के जंगल में कोटमसर नाम की एक गुफा है, जिसकी खोज 1958 में एक भारतीय शोधकर्ता ने की थी, जिसके बाद कुछ और शोधकर्ता उस गुफा में गए और दावा हुआ कि गुफा के आखिरी छोर पर एक अद्भुत शिवलिंग है। दावा होता है कि यह वही शिवलिंग है जिसकी स्थापना खुद श्री राम ने की थी। रामायण में भी उस शिवलिंग का जिक्र हुआ है। तो चलिए आज चलते हैं जमीन से 150 फीट नीचे घनघोर अंधेरे के बीच एक ऐसी मंजिल की तलाश में जिसकी हर तस्वीर आपको भी अचंभे में डाल देगी। मंगल भवन अमंगलहारी। 14 साल के वनवास में भगवान राम कहां कहां गए, कहां कहां रहे, रामचरितमानस में हर कथा का जिक्र मिलता है, जिसमें कहा गया कि भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास में तकरीबन 10.5 साल दंडकारण्य वन में बिताए। रामायण से जुड़ी निशानियों के मुताबिक दंडकारण्य वन का नक्शा कुछ ऐसा था। मौजूदा दौर में देखें तो ये वन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक फैले थे। भगवान राम से जुड़ी कहानियों के कई सच्चे सबूत दुनिया के सामने आ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अब भी देश की नजर से दूर हैं। ऐसी ही एक कथा को तलाशने हम भी निकल चुके थे। हमारी मंजिल थी छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर बस्तर। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि शहर में हमारा स्वागत कुदरत की ऐसी बेपनाह खूबसूरती के साथ होगा। अगर आप इस मुल्क के ताने बाने को सुलझा कर देखेंगे तो हर धागे पर एक नाम आपको जरूर नजर आएगा, वो नाम है राम का। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और आज हम भगवान राम से जुड़ी कुछ ऐसी निशानियों की तलाश में आए हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या वो शिवलिंग आज भी मौजूद है जिसकी पूजा खुद राम ने की थी? क्या वो गुफा आज भी है जहां पर भगवान राम ने अपने वनवास के 10.5 साल बिताए? क्या धरती के 100 फीट नीचे आज भी वो पाताल लोक मौजूद है जिसे देखकर इंसान अपनी सुध-बुध खो बैठता है? इसी पाताल लोक की तलाश में आज हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के जिले बस्तर में। तो आइए शुरू करते हैं राम की ये नई खोज। बताया गया कि यहां से कुछ दूरी पर ही घने जंगल शुरू होते हैं। जंगल के बीचों बीच एक बेहद गहरी गुफा है। माना जाता है कि उसी गुफा में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता कई दिन तक ठहरे थे, जिसका सबूत है गुफा के आखिरी छोर पर मौजूद एक शिवलिंग। लोग मानते हैं कि ये वही शिवलिंग है जिसकी स्थापना भगवान राम ने अपने हाथों से की थी और इसका जिक्र खुद रामचरितमानस में भी हुआ है। भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया तो सारे लोग जानते हैं, तो उनको दंडकारण्य में ही भेजा गया था, तो इसलिए लोगों का ये ख्याल है कि भगवान राम यहाँ पर इस दंडकारण्य की एरिया में 10.5 साल तक लगातार घूमते रहते, जैसा वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र आता है। लोगों ने बताया कि इन इलाकों में तमाम ऐसी निशानियां हैं जो रामायण की कथाओं से मेल खाती हैं। कितनी खूबसूरत जगह है ये, चारों तरफ माने प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ पड़ा है, तो यहाँ पर ऐसी जगहों में जरूर ही ऋषि मुनियों के आश्रम रहे होंगे। अब तक जो कुछ भी सुना अब उसे आजमाने की बारी थी, इसलिए हम निकल पड़े एक बेहद खतरनाक